पे भी मत जाइएगा। एक संवेदना फिल्म अभिनेत्री संवेदना के साथ दिलचस्प बातें जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का, बात चलिए अभिनेत्री संवेदना से। संवेदना, ब्रेक में जाने से पहले जो मैंने कहा था, मैं मान लेता हूँ थिएटर टफ था, आपने वो पड़ाव भी पार कर लिया, लेकिन जब संवेदना ने पहला रोल हासिल किया, उस रोल तक पहुँचने के लिए किन किन मुसीबतों का सामना किया वो मुझे जानना है। कॉलेज लेवल तक, पढ़ाई लेवल तक तो बहुत सब अच्छा होता है, पर जब आप बाहर निकलते हैं और रियलिटी होती है वो बहुत अलग होती है। वहाँ टीचर्स नहीं होते और स्टूडेंट्स नहीं होते और बहुत प्रोफेशनल लेवल पे सब कुछ हो रहा होता है। तो भाई शुरुआत वहीं से की जहाँ सब करते हैं, ऑडिशंस देना शुरू किया। तो हमारे यहाँ जैसे कि अपन पहले बात भी कर रहे थे, तो कॉल बैक आया नहीं आए, आपका रिजेक्शन हुआ है कि नहीं आपको पता ही नहीं चलता है। आप ऑडिशन देने जाते हैं और आगे कुछ बात ही नहीं होती। तो जब आप पहला ऑडिशन देते हैं, सेकेंड ऑडिशन देते हैं, तब तो आपको बड़ा लगता है कि देखिए क्या होता है, क्या होने वाला है। आधे घंटे कॉल मी बैक, डिड आई लैंड द प्रोजेक्ट, कुछ नहीं, कोई कॉल नहीं आता कुछ। आपको ये भी नहीं पता चलता कि आपको नहीं मिला है तो आपको क्यों नहीं मिला है। और फिर पहले तो शुरुआत में थोड़ा सा डिप्रेशन होता है जब आप एक ऑडिशन के लिए जाते हैं और 10-15 लड़कियाँ जो बिल्कुल आपके जैसी हैं वो वहाँ पर लाइन पर खड़ी हुई हैं ऑडिशन के लिए, और आपको लगता है अरे बाप रे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हें ये करना है, बहुत लोग हैं यहाँ पे। तो हल्का सा डिप्रेशन होता है, हल्का सा आपको इनसिक्योरिटी भी होती है कई बार कि कहीं गलत डिसीजन तो नहीं हो गया, कहीं पहले कुछ कर रही थी वो ज़्यादा ठीक था कि नहीं। पर अगेन आई वुड ऑलवेज दिस एंटायर इंटरव्यू आई एम टू ब्रिंग यू बैक टू माई पेरेंट्स, कि फिर टर्न टू योर पेरेंट्स एंड पापा ने कहा कि कर लो ना, तुम्हें एक तुम्हारे मन में था एक बार करके देख लो, एक बार अपना 100% दे के देख लो, फिर देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। और फिर क्या होता है कि आप धीमे धीमे ऑडिशन देते रहते हैं। मैंने एक अच्छी चीज़ ये की थी कि मैंने थिएटर से अपना लगाव नहीं छोड़ा। मैं सलीम आरिफ के साथ अभी भी थिएटर करती हूँ, फिल्में चलती रहती हैं, वो जब काम आता है तब मैं शूट पे जाती हूँ, लेकिन आई कम बैक टू थिएटर। सो वन गुड थिंग दैट थिएटर डज इज इट गिव्स यू डिसिप्लिन। रोज़ उठ के आपको जाना है रिहर्सल पे, आपको एक कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर करना है, आपका मन लगा रहता है, आप किसी चीज़ पे फोकस रहते हैं और फिर आपका एक स्टेज शो आने वाला होता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक थिएटर ने मुझे बहुत हेल्प किया टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम, टू मेंटेन अ बैलेंस, कि कोई बात नहीं, ये सब ये चलता रहेगा और काम आएगा, और जब तक नहीं आ रहा है इन द मीनवाइल आई विल डू व्हाट आई एनीवे एंजॉय डूइंग। सो ऑडिशंस का तो एक सिलसिला होता है, लेकिन एक अच्छा दिन भी आता है, हर एक व्यक्ति का एक डे तो आता है। तो ऐसे ही मैंने भी एक प्रोजेक्ट लैंड किया और जब मेरा पहला रोल मिला था आई वाज लाइक यस आई हैव मेड इट, आई हैव अराइव्ड। सो यस, दैट फीलिंग वाज वेरी स्पेशल व्हेन आई गॉट दैट कॉल फ्रॉम द प्रोड्यूसर। वो कौन सा रोल था और वो फीलिंग्स, वो पल मुझे जानना है। ठीक है, मेरी सबसे पहली फिल्म फीचर फिल्म हैप्पी फैमिली प्राइवेट लिमिटेड है, गुजराती फीचर फिल्म है। अगेन ऑडिशन के थ्रू हुआ, बकायदा मेरे 3 ऑडिशंस के राउंड थे, मुझे याद है डायरेक्टर और राइटर बैठे थे और मेरा ऑडिशन चल रहा था, और फिर मुझे ये पता चल गया था कि मैं शॉर्टलिस्ट हुई हूँ। पर शॉर्टलिस्ट हुई हूँ मतलब कि और भी 3-4 लड़कियाँ उस रोल के लिए रनिंग में थी। और मैं मुंबई में गोरेगांव ईस्ट में ओबरॉय मॉल में एक फिल्म देख रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के, और प्रोड्यूसर का डायरेक्टर का नंबर स्टोर था मेरे फ़ोन में, और एकदम से फ़ोन बजा, फिल्म का क्लाइमेक्स आने वाला था, और मैंने देखा कि फ़ोन आया, और अब तो ये डू और डाई मोमेंट है कि या तो मुझे फिल्म मिली है और या तो नहीं मिली है, तो बात ख़त्म है। तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं क्या होता है, और मैं फ़ोन लेके भागी हूँ। मुझे याद है कि स्क्रीन पे वो इमेजेस आ रहे थे और मेरी फ्रेंड्स के कहाँ जा रही क्लाइमेक्स आ रहा है, मैंने कहा छोड़ो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। और मैं बाहर आई, मैंने फ़ोन उठाया और पीछे इतनी आवाज़ आ रही थी कि पहले जब प्रोड्यूसर ने कहा कि यू आर हायर्ड, यू गॉट द रोल, मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं आप, बिकॉज आई वॉज ऑलमोस्ट लाइक आई डिड नॉट बिलीव दैट इट्स एक्चुअली हैपनिंग टू मी। एंड दैट्स इट, आई गॉट माई फर्स्ट रोल। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि वहाँ हॉल के बाहर खड़े होकर मैं अकेली खड़े होकर रो रही थी। आई एम श्योर लोगों को लग रहा होगा कि बड़ी दुखी है, क्या हो गया इसको, मैं बहुत खुश थी और मैं इसलिए रो रही थी। आई लैंडेड माई फर्स्ट फिल्म और मुझे आज तक नहीं पता कि उस फिल्म के क्लाइमैक्स में क्या हुआ, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, थिएटर पे कितने रोल किए, पहली मूवी भी मिली, शॉर्ट फिल्म भी कही है। संवेदना का चेहरा एक गुजराती मूवी आई थी, बे यार, बड़ी याद रही है। मैं बोलता हूँ अरसों बाद किसी गुजराती मूवी ने इतना बिजनेस किया था। संवेदना का चेहरा बे यार के बाद लोगों के जहन में छा गया, वो मूवी कैसे मिली? केवरी से जयेश बनाई थी अभिषेक जैन ने, 2012 में ये फिल्म आई थी। उस समय मैं विस्लिंग में पढ़ाई कर रही थी, तो वो फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए आए हुए थे, अपनी टीम को लेकर आए हुए थे। और जब मैंने केवरी से जयेश देखी, अगेन जैसे आपने कहा गुजरात में आई एम श्योर बहुत फिल्में बनती हैं, पर मैं बहुत वाकिफ़ नहीं थी, मुझे ज़्यादा पता नहीं था गुजराती सिनेमा के बारे में। तो जब मैंने केवरी से जयेश देखी आई वॉज ब्लोन अवे, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट था, मैं आई हैड ग्रोन अप सीन पीपल लाइक दैट। उन्होंने एक पंखीड़ा सॉन्ग है जिसमें मैं बचपन से गरबा करती आई हूँ, उन्होंने उसको एक रॉक ट्विस्ट दिया था।
सो गुजराती सिनेमा में ऐसा कुछ हो सकता है ये देख के मैं तो दंग रह गई. एंड एक वो नहीं होता है कि जब आप अपने लिए आगे के लिए जब स्टेप्स में आप सपने देखते हैं, तो एक मेरा मेंटल नोट ये भी था कि किसी दिन अभिषेक जैन के साथ काम करेंगे. तब तो मैं स्टूडेंट थी, वो अपनी फिल्म लेके आए हुए थे और मैंने बकायदा उनके सिनेमा एंड पिक्चर्स पे मैंने अपनी फोटोज़ वगैरह भेजी. मैंने उनको एक मेल भेजा कि सर मैं आपकी जूनियर हूँ सिंग वुड्स की और आपके साथ काम करना चाहूँगी, आप नेक्स्ट फिल्म बना रहे हो तो मुझे कंसिडर करें. उन्होंने बाद में मुझे बताया अभिषेक जैन को ने कि उनको बहुत लेटर्स आते हैं ऐसे, बहुत मेल्स आते हैं, बहुत लोग अब उनके साथ काम करना चाहते हैं. तो पर जब वो बेयार की शुरुआत कर रहे थे मुझे कॉल आया उनका, उन्होंने कहा कि भाई ऑडिशन होगा तुम्हारा भी, पर मैं एक ऐड बना रहा हूँ वो तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट है, आ जाओ अहमदाबाद इस ऐड में काम करो, अगर तुमने अच्छा किया और अपना बैठा तो मैं तुम्हें फिर आगे स्क्रिप्ट एंड नरेशन दूंगा. सो दिस इज़ हाउ आई लैंडेड द फिल्म एंड दिस इज़ हिस्ट्री बिकॉज बे आर हैज़ बिकम दैट टर्निंग पॉइंट फॉर माई करियर वेयर सडनली फ्रॉम बींग अ स्ट्रगलिंग एक्टर एटलीस्ट आई हैव गॉन ऑन टू बिकम सम वॉट नोन यू नो इन गुजरात एंड इट्स अ वेरी हैप्पी प्लेस टू बी इन. समझना जहाँ तक मैं इस इंडस्ट्रीज को समझता हूँ, अभिनेता हो अभिनेत्री हो, हर एक के दिलो दिमाग में एक कैरेक्टर होता है कि लाइफ में साला ये कैरेक्टर तो मैं प्ले करूंगा ही करूंगा. सैफ अली खान को कोई एक चॉकलेट इमेज है सैफ अली खान का, तो कभी एक्शन का उसके अंदर वो सेट नहीं हो रहे. तो आखिरकार अपना पैसा लगा के उन्होंने एजेंट विनोद बना दी. जो ख्वाहिश थी अपनी, वो भड़ास जिसको बोलते हो एक्टर की, वो निकालने के लिए संवेदना की भी कोई ख्वाहिश होगी कि मैं ऐसा एक रोल प्ले करूंगी चाहे आज ना सही कल सही, ऐसा कोई प्ले कर रही हो या करने वाली हो? मैं आगे चल के क्या करूँगी ये तो मुझे नहीं पता, पर अभी मैं एक आपको मैं सूरत में जिस चीज़ के लिए हूँ मैं उसकी बात करूँगी. योगेश अमीन करके एक बहुत ही यंग एंड डायनामिक डायरेक्टर हैं, वो एक ये शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है तमन्ना. मैं टाइटल रोल प्ले कर रही हूँ. शॉर्ट फिल्म है, 15 मिनट की फिल्म होगी, लेकिन शॉर्ट फिल्म हो या फीचर फिल्म हो उसकी जर्नी बहुत एक्साइटिंग होती है. आप अगर भले ही 2 दिन का शूट हो या 30 दिन का शूट हो, लेकिन आप एक पूरा कैरेक्टर प्ले करते हैं, आप एक पूरे कैरेक्टर की लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं, एक वो पूरी जर्नी होती है फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश. एंड मुझे अभी वो करने को मिल रहा है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट क्योंकि बहुत ही यंग टीम है. जल इवेंट्स करके एक प्रोडक्शन इवेंट कंपनी है रन बाय जलपा सूरती, वो इनिशिएट कर रही है, वो प्रोड्यूस कर रही है इस फिल्म को. सो दे ट्राइंग टू डू दिस लव स्टोरी वेयर It has some kind of realism where you can connect to it. Where I think, I don't know about guys, but I can tell you for a girl, क्या जब आप बड़े हो रहे होते हैं तब आपको दुनिया के बारे में बड़ा ब्लैक एंड वाइट एक वो होता है कि भाई अच्छों के साथ अच्छा होता है, बुरों के साथ बुरा होता है. पर कहीं आप बड़े हो जाते हैं तब आपको रियलाइज़ होता है कि सब कुछ इतना ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, कुछ शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं. कई बार आप क्या चाहते हो और क्या होने वाला होता है उसमें बहुत फ़र्क होता है. एंड कई बार आप लाइफ के ऐसे पॉइंट पर आते हो जहाँ आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि आपने कुछ विजुलाइज किया था या आपने कोई बचपन में कुछ सोचा था वो क्या होगा और फिर रियलिटी में जाके क्या होता है और आप फिर वो एक डिसीजन लेते हो. एंड आई थिंक ये फिल्म उस लड़की के इस डिसीजन के बारे में है कि उसने क्या चाहा था, वो क्या करना चाहती थी, पर अब वो कहाँ पहुँच गई है, लेकिन शी इज़ डिसाइडिंग कि दिस इज़ इट एंड समवेयर इवन इफ आई एम ऑन द क्रॉस रोड्स मुझे डिसीजन तो लेना पड़ेगा. एंड आई थिंक दिस होल फिल्म इज़ अबाउट तमन्नाज जर्नी, अबाउट दैट डिसीजन. इट इज़ अ लव स्टोरी, भले ही I don't know. I can't give you the ending, happy ending or sad ending of a love story. क्या मानती हो love story का ending क्या होता है? Subjective है, जो आपका experience है वो आप सोचेंगे, लेकिन मैं बहुत optimistic हूँ life में. मैंने medicine छोड़ के acting लिया है, तो मैं कहती हूँ कि life में सब कुछ positive होता है in the end. और अगर वो positive नहीं है तो भी end नहीं हुआ है. मैं अपने अनुभव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपकी फिल्म में ending क्या है. वो आई एम नॉट अलाउड टू गिव यू अवे. द ओनली थिंग आई कैन टेल यू इज इट्स अ लव स्टोरी अबाउट टू पीपल हु रियली रियली वॉन्ट टू बी टुगेदर, पर वो नहीं साथ हो पा रहे और वो क्यों नहीं हो पा रहे इसके लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी. जरूर जरूर, क्योंकि अब तो मैं ये चाहता हूँ कि इस फिल्म की देखने की तमन्ना मेरी है. लेकिन फिर भी इसी बात पर बात करूँगा क्योंकि मुझे आपका सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा लगा है. ये फिल्म आपको मिली कैसे? ब्रिगेश अमीन एफएक्स स्कूल एक फिल्म स्कूल करके है मुंबई में, वहाँ के स्टूडेंट हैं. मैंने जब हैप्पी फैमिली की थी उसमें मेरे एक ब्रदर का रोल प्ले किया था करण आशन है, वो उनके सीनियर है. तो मुझे करण का कॉल आया कि भाई मेरा एक जूनियर है वो तुम्हारे साथ काम करना चाहता है, उसने तुम्हारी फिल्में देखी हैं, तो सूरत से है, गुजरात का है, काम करोगी क्या? मैंने कहा बताओ, उसको नंबर दो मेरा, बात करते हैं. एंड ब्रिगेश का मुझे मैसेज आया कि मैम मैंने आपकी हैप्पी फैमिली 4 बार देखी है और आपकी बे यार 11 बार देखी है और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपके साथ काम करूं और मैं ये फिल्म बना रहा हूं. मेरा पहला एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, शॉर्ट फिल्म से बहुत बनाई है उन्होंने लेकिन पहला इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और मैं आपको कास्ट करना चाहता हूं. तो मेरे घर पर मजाक भी हो रहा था कि तुम्हारा फ़ैन आया है तुमको कास्ट करने के लिए, बट जोक्स अपार्ट ही इज़ वेरी टैलेंटेड
मैंने सिंपल सा कहा कि ठीक है, तुम यंग हो या तुमने कुछ किया है या नहीं किया है, सिंपल सी बात है, अपनी स्क्रिप्ट भेजो, इफ इट इज एक्साइटिंग इनफ आई विल डू इट, एंड आई लव द स्क्रिप्ट, आई फेल इन लव विद इट। समझ, एक पुरानी कहावत है, पैसा हमेशा पैसे को खींचता है। अभी आपने मुर्गेश की बात कही कि चार बार हैप्पी एंडिंग देखी या बे यार 11 बार देखी, मैं उस पर कहना चाहूँगा कि अगर पैसा पैसे को खींचता है तो एक अच्छे किरदार हमेशा अच्छे किरदार दिलाते हैं। खैर, अब मैं सीधी बात कर लेता हूँ, आज आपको लाखों लोग देख रहे हैं, जहाँ तक फिल्म इंडस्ट्री की बात है ना, लोग समझते हैं यहाँ चांदी है, ग्लैमर है, आप जाते हैं, लोग बैठे होते हैं कि आप क्यों नहीं आए, हम तो आप ही का वेट कर रहे थे, लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू की और एक अलग सी है। कई लड़कियाँ रोज़ मुंबई जाती है, स्ट्रगल करती है, फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर के धक्के खाती है, डिप्रेशन में चली जाती है। बहुत चुनिंदा लड़कियाँ होती है जो अभिनेत्री के रूप में दर्शकों के सामने आती है। ये जो यात्रा होती है बड़ी कठिन होती है। मेरा कहने का मतलब शॉर्ट में यही है कि वो लड़कियाँ अगर डिप्रेशन में ना आए, उसके लिए संवेदना अगर उन्हें एक एडवाइस देना चाहती हो तो क्या देंगे? सबसे बड़ी बात ही यहाँ से शुरू होगी कि देखिए, मैं एक शॉर्ट फिल्म कर रही हूँ फीचर करने के बाद भी, मतलब आज ज़माना बदल रहा है, आज इंटरनेट का ज़माना है जहाँ पे आप खुद अपना कुछ बना के यूट्यूब पे डाल सकते हैं। मैं मुंबई में नहीं, मैं सूरत में बैठी हूँ आपके साथ, इसका मतलब ये है कि आज तो आपको मुंबई आने की भी ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ हैं जिधर हैं वहीं से शुरू करिए। योगेश अमीन को देखिए, पूरा गैंग इनका सूरत से है, बहुत यंग बच्चे हैं, इन्होंने अभी जस्ट शुरुआत की है और ये लोग अपने बूते पे कुछ कर रहे हैं और इतना यहाँ तक कर रहे हैं कि ये आपके साथ मेरा इंटरव्यू करवा रहे हैं। ये कहते हैं कि अपनी फिल्म को ये लोग फेस्टिवल्स वगैरह में भेजेंगे और एक शॉर्ट फिल्म को लोग एक फीचर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आई थिंक ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल होना चाहिए इस चीज़ का कि आप, आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है या आपके पास जो एनवायरनमेंट है, आप उसका बेस्ट करिए। आपके पास आज डिजिटल का ज़माना है, आप एक छोटा सा कैमरा ले लीजिए, आपको लगता है कि आप में प्रतिभा है, आप अपने ऊपर काम करिए, आप अपनी खुद की शॉर्ट फिल्म्स बनाना शुरू कीजिए। आज इतने वेन्यूज़ हैं, आप इतने फेस्टिवल्स पे भेज सकते हैं, इतने बड़े बड़े फिल्म मेकर्स आजकल शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं जो यूट्यूब वगैरह पे डलती हैं। आप अगर आप में टैलेंट है तो आप नोटिस होंगे और नोटिस होने का आप वेट मत करिए। अगर आपकी वाकई बहुत इच्छा है तो आपको प्रोसेस में मज़ा आएगा और उस प्रोसेस को आप एंजॉय करिए और आप लगे रहिए, कहीं ना कहीं हर कोई पहुँच ही जाता है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। थैंक यू वेरी मच संवेदना। तो ये थी संवेदना, इन्हें डॉक्टर कहूँ या एक्टर, वो मैं डिसीजन आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी डॉक्टर नहीं बन पाई, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत अच्छी अभिनेत्री ज़रूर बन रही है। ऐसे ही एक शख्स से रूबरू आपको कराऊंगा अगली बार प्रेरणा में, तब तक के लिए मुझे रजा दीजिए, नमस्कार।